पंजाब में 2017 विधानसभा के चुनावों के चलते नेशनल बस की टीम ने होशियारपुर के हल्के चब्बेवाल गांव पंडोरी में प्री इलेक्शन सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान युवा वर्ग ने मौजूदा सरकार और उनके क्षेत्रों के विधायकों के प्रति नाराजगी जताई है, जबकि पंजाब का युवा वर्ग इस बार 2017 के चुनावों में बदलाव चाहता है, क्योंकि उनका भरोसा मौजूदा अकाली बीजेपी सरकार से उठ गया है। सारे पंजाब में बेरोजगारी और नशाखोरी बढ़ चुकी है और इन 10 सालों में पंजाब के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। सुनिए क्या कहना है पंजाब के युवा वर्गों का। इस वेले असी पिंड पंडोरी दे बीबी दे विच खड़े हैं, चब्बेवाल हल्के दे विच। साडे नाल कुछ यंगस्टर जुड़े ने जिहड़े कि इस पिंड दे ने, ते इन्हां नाल गल करदे हां। 10 साल हो गए सरकार बनी नूं, बट अनइंप्लॉयमेंट जिहड़ी सब तो मेन हैगा आ कोर्स, उहदे विच इन्हां ने मैनूं नहीं लगदा कि कुछ भी किया होएगा। सो दूसरे नंबर ते जिहड़ा मेन हैगा आ, उह सब नूं पता है कि नशे किन्ने ज़्यादा आ। यूथ जिहड़ा आ मेरे अकॉर्डिंग, जिन्ना मैं हुण बिकॉज मैं भी देखिया कि बहुत सारे यूथ जिहड़े आ बहुत सारे नशा अडिक्टड हैगे आ, ड्रग अडिक्टड हैगे, इवन कि गर्ल्स भी हुण तां बहुत ज़्यादा ड्रग अडिक्टड हैगीआं आ। अमृतसर दे विच गर्ल्स नूं नशा छुड़ाऊ कैंप जिहड़ा खोलिया गया आ, और मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को पहली बार ये पता लगा होगा कि गर्ल्स दे लई भी कि एक नशा छुड़ाऊ केंद्र खुलिया है, जिहदा कि सीधा सीधा असर यही है कि इस सरकार दे विच किन्ने ज़्यादा नशे जिहड़े आ उह फैल गए, मीनस कि गर्ल्स भी जिहड़ियां ड्रग अडिक्टड हो गई। इस बार 2017 विधानसभा के चुनावों में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मौजूदा सरकार दे जो हालात है उन्होंने देख के तो अकाली दल तो बिल्कुल ही भरोसा चुकया गया है, इसलिए कांग्रेस नू मेरे अकॉर्डिंग तो कांग्रेस नू मौका देना चाहिए है हुण इस बार, तो कांग्रेस ही सरकार आनी चाहिए आ। मे बी वो डिवेलपमेंट कर सकन, क्योंकि उन्होंने भी पता है कि अकाली सरकार दे की डेफिशंसीज रही हैं, दैन वो भी कोशिश करनगे कि शायद उन्होंने रिमूव कर सकन। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा इस चीज़ नू लैके आगे कि यूथ सारा उन्हों की तरफ आ, कि यूथ साडे नाल खड़ा है। मे बी उन्होंने लगता कि यूथ उन्होंने नाल सपोर्ट यूथ की ज़्यादा है, बट यूथ नू मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं पता कि उन्होंने की डेफिशंसीज है, मीनस के हुण कोई बाहरों आके यूपी बिहार तो आके कोई बंदा साडे ते राज करे, मैनू नहीं लगता कि यूथ ये चीज़ बर्दाश्त करनी चाहता होगा। बट यह है कि यूथ जो सुनता है जो उपर ये गल्लां वो सुन के बस वो यकीन करता है। बहुत सारे मिनिस्टर्स इदा दे सैक्स स्कैंडल दे विच फसे हुए आ, जां कोई लेडीज़ नूं कुट रहा है, जो कुछ भी है सब ने देखा होया है, ये कोई दसन वाली गल नहीं है, सब ने न्यूज़ चैनल से सब कुछ देखा होया। आम आदमी पार्टी मेरे अकॉर्डिंग तो डिजर्विंग है ही नहीं किसी एंगल तो, मीनस के बाहरों आके वो जो प्रमोट कर रहे अपने आप को कि असी राज करांगे पंजाब ते, ये तो फिर उही गल होया अकालियों तो छुट के असी आम आदमी को अपने उत्ते राज करन दे लई खुला खुला सद्दा दे रहे हैं। कोई कह रहा 2 करोड़ की सीट वेच ही आ जो कुछ भी आ, पर ये इन्ने ओवर कॉन्फिडेंट सके, इन्हों रौला पा रहे थे कि साड़ियाँ 100 सीटा असं जितांगे, बट जो इन्हों का हिसाब किताब है उन्होंने देख के तो यही लगता मेरे अकॉर्डिंग, तो इन्होंने मैंने लगता कि 10 सीटा भी नहीं जितियां होगियां, जिदा ये अपने काम लैके ओवर कॉन्फिडेंट सके। जे इन्हों इन्ना सगा ट्रस्ट तो इन्होंने एक सिंगरस ही क्यों, मतलब इन्होंने एक इदा की कैटेगरी चुनी है सिंगरस या कॉमेडियन आप कह सकते हैं कि हूँ, मतलब साढ़े तो इदा के दिन पंजाब से आ गया कि कोई कॉमेडियन या कोई कलाकार कोई सिंगर जरा अपना प्रोफेसन छड़ के वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेगा सिर्फ तो सिर्फ पंजाब के उपर राज करने के लिए, ताकि सिर्फ आप केजरीवाल को अगे लैके आइए। यूथ साढ़े नाल है, पर मैनू नहीं लगता कि यूथ बिल्कुल भी इन्हों है, क्योंकि यूथ के यंग जे गर्ल्स के बॉयज़ आते हैं हूँ, जिदा सब पता है कि गर्ल्स के नाल कि माड़ी की गई है इस पार्टी के द्वारा, मीनस के उन्होंने कि एक्सप्लॉयटेशन हुई है, गर्ल्स नाल कि शोषण किया गया, बाहरों आके बंदे इतने गर्ल्स कुड़ियों मिल के उन्होंने ये कहा गया कि तुम्हें टिकटा दी जाएगी जो भी है जिदा के भी इन्होंने वादे किए, बट उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन हुई है, उस तो बाद उन्होंने इदी छड़ के चले गए। मीनस के है कि अरविंद केजरीवाल के लिए तो मैं यही कह सकती हाँ कि हाथी के दंद ने दिखाने को शोर तो खाने को शोर, मतलब कि जो वादे किए पूरे तो करे जाते नहीं, उत्थे भी पूरे नहीं किए गए। हूँ यह चाहता कि पंजाब के अपने इदा के काम करके सारा कि पंजाब के उपर राज कर सके। मैनू नहीं लगता कि कोई भी यूथ इन्हों का साथ दिता इस चीज़ के, क्योंकि गर्ल्स को भी पता है कि जो भी उन्होंने जो भी शोषण होया, मैनू नहीं लगता कि कोई गर्ल जी गर्ल यूथ जो इन्हों के खड़ा है। सबनों पता है कि इन्हें अन्ना हजारे को एक साइड कह लो कि एक तरह लत्त मार के उन्होंने साइड से कर दिता, तो आप जो भी आ पहला ये कह रहा कि बड़े इन्हें गल्लां कीतियां कि मैं कोठी नहीं लवांगा मैं ये नहीं करांगा, बट इन्हें सब कुछ किया, सबनों दिखता है कि इन्हें सब कुछ किया, सारिया इन्हें फैसिलिटीज जिहड़ियां वो यूज़ कीतियां, बट हुण ये चाहता है कि इदां ही जो भी आ झूठ बोल के जां कुछ भी चीट करके लोगों को पंजाब के उपर राज कायम कर सकता अपना, बट मैनू नहीं लगता कि यूथ जिहड़ा इस चीज़ नूं जिहड़ा सपोर्ट करेगा कि हाँ इदां दा बंदा आके साडे ते राज करे। हमारे सर्वे का मकसद किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना और उनके नेता की छवि को खराब करना नहीं, केवल जमीन से जुड़ी उस हकीकत को आप तक पहुंचाना है। यूथ इस वेले बहुत परेशान है पंजाब दा, और उस नू ड्रग दा मसला और नौकरी और इंप्लॉयमेंट पढ़न लिखन तो बाद लखां रुपया कॉलेजां ते खर्च करन तो बाद भी नौकरियां अवेलेबल नहीं गियां, यह एक बहुत वड्डा मसला पंजाब दा बन चुका है। यह हुण आने वाला वक्त दसेगा भी केड़ी सरकार इन्हां दा मसला हल करदी है। रमनीक मुंगिया, नैशनल बस लई चब्बेवाल तों।